मोदी मोदी को को आपने लिख 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 के को सवाल के के सवाल 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 भेजे? भेजे नहीं थे, सवाल उनके और वो बेटम सवाल आप भेजते क्योंकि नहीं? जो नहीं। कैमरा में आया था ना जो जी के हाथ में था करोड़ करोड़ मैं मैं क्या कह रहा नहीं लेकिन सब... आज इस वीडियो में बात न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकारों द्वारा किए गए कुछ इंटरव्यूज की करेंगे इस वीडियो में हम मनोज तिवारी सुरेश चौहान के और दीपक चौरसिया के इंटरव्यू की बात करेंगे और देखेंगे जब इनसे तीखे सवाल हुए तो क्या रहे उनके जवाब न्यूज लॉन्ड्री पर पत्रकार अभिनंदन सेखरी ने दिल्ली में 2020 के चुनावों के वक्त भाजपा नेता और अभिनेता मनोज तिवारी का इंटरव्यू लिया इस इंटरव्यू में अभिनंदन ने कुछ तीखे सवाल मनोज तिवारी से किए तो जवाबों को मनोज तिवारी ज्यादातर गोलमोल ही करते दिखाई दिए अगर आप ये बोल रहे हैं कि जनता इतनी अक्लमंद है कि हमेशा वो पॉजिटिव और अच्छे कामों को रिवॉर्ड करती है तब आप बोल रहे हैं कि मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया को वो हमेशा वापस आती रही अगर वो लॉजिक अप्लाई किया जाए तो नहीं हमेशा अच्छे काम से ही आप वापस नहीं आते हैं कभी कभी आपको कुछ ऐसे भी श्री काम राम की कर... कृपा हो जाती है श्री राम की कृपा भी ज़रूरी है कभी कभी किसी भी कभी <laughs> किसी की कृपा कभी किसी <laughs> मुसलमान 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 और फिर लिखा है कि केवल हिंदू प्रत्याशी ही विजय प्राप्त कर सकता है और उसमें भी यदि भाजपा प्रत्याशी महिला अनुसूचित जाति से हो तो उसकी विजय निश्चित है तो आपका जो क्लेम है कि भाई हम बड़ी इंक्लूसिव हैं मुश्किल होता है हजम देखो ये उनकी विचारधारा है लेकिन है, आपकी पार्टी की है ना उनको तो पता होगा जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ किसी बोर्ड के सामने मैं जानता हूँ इस बोर्ड को क्या सुनना है तो मैं वही सुनाता हूं। देखो वो बाद में ना अभिनंदन जी उन्होंने भी लिखा कि महिला ही होगा ठीक है अब महिला पर भी आ गया उनका लेकिन तो हिंदू से ना जब, जब, जब मुसलमान मुसलमान ऐसे कौन है, लिखता है अभी मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मारा गालिब साहब की कंस्टिट्यूंसी हाँ तो अब ये जो इनका लिखने का जो होगा ये उनके लिए होगा न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार अतुल चौरसिया ने सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश शाह का इंटरव्यू लिया इस इंटरव्यू में अतुल जरसिया ने सुरेश चौहंगे को दिल्ली दंगे जनसंख्या के मुद्दे पर तीखे सवालों में घेरा जिसका वे ठीक से जवाब ना दे पाए एक तो जन समस्या समस्या है ही दूसरा है जनसंख्या असंतुलन डेमोग्राफिक चेंज मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या हिंदुओं के जनसंख्या से ज्यादा बढ़ रही है ये तो आप आप भी एक्सेप्ट करेंगे आंकड़े हैं ये आंकड़ा कहाँ है ये तो आप कोई भी सेंसेक्स उठा लीजिए भारत का किसी भी साल का उठाइए दो हजार ग्यारह का उठाइए आंकड़ा अब कितना बढ़ रहा है आंकड़े में मेरा आंकड़ा मत लीजिए तो क्या जिस देश में इस्लाम के नाम पर आपने पाकिस्तान दे दिया दोबारा पाकिस्तान देंगे देंगे क्या तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान बनाने की साजिश है हां नारा है आपके और मेरे जन्म के पहले का नारा है वो नारा है लड़के लिया पाकिस्तान हंस के लेंगे हिंदुस्तान अगर ये नारा आपके और मेरे जन्म का पहले का नहीं है तो मैं कैमरे पे आप माफी मांगूंगा ये नारा आप पता नहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें आपने वो कर दिया है या आपके सामने गलत तरीके से आया लड़के लेंगे पाकिस्तान ये कश्मीर का नारा था और ये हिंदुस्तान में नारा नहीं था ये पाकिस्तानी सुनते आए हैं सर ये का था। है। ये पाकिस्तानी मस्जिदों में अभी भी भाषणों में दिया जाता है तो मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ लड़के लिया था पाकिस्तान हंस के लेंगे कश्मीर ये पाकिस्तानियों का नारा था ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का नारा नहीं है आपका फोन लगाइए आपके दादा को फोन लगाइए उनको पूछे कि यह नारा उन्होंने सुना क्या नहीं अगर उन्होंने नहीं सुना, मैं माफी मांगूंगा क्या मैं तो बड़ा दुर्भाग्य में है नहीं। तो इसलिए जवाब नहीं दे पाए देश आजाद हुआ तो मुसलमान कितना था आप बताइए आप बताए ना जनसंख्या आप बताए ना नौ करोड़ में विभाजन हुआ और करीब तीन करोड़ समथिंग भारत में था आज कितना है बीस करोड़ का करीब

वहा जनसंख्या में, में, जन में बताए गए परिवार, तो परिवार दिखाता हूँ आपको तो चलिए किसी दिन चलेंगे इसके लिए ये तो अलग से स्टोरी करने वाली बात हुई अभिनंदन सेखरी ने दीपक चौरसिया का इंटरव्यू लिया इस इंटरव्यू में शाहीन बाग को लेकर अभिनंदन ने दीपक से सवाल किया

उनके और वो बेटम सवाल आप के भेजते हैं बहू क्योंकि जो नहीं। कैमरा में आया था ना जो मोदी जी के हाथ में था तो जो आपके मुंह से लाइनें निकली थी वो हू बहू बड़ी भाँ भाँ सिंपल बड़ी सिंपल सी थी कि आपने कोई कविता लिखी है अगर लिखी है तो सुना दीजिए बस इसमें कौन सी बड़ी बातें भाई आप सब पूछते हो दीपक चौरसिया बोलते हैं ये इलाका पूरे देश से कटता जा रहा है हमें शाहीन नए शाहीन बागों को जन्म दिया जा रहा है एंड दिस यू सेड आई थिंक ये लाइन मैंने नहीं बोली ये आपकी लाइन है अगर होगी तो काट के लगा देना मुझे कोई आपत्ति नहीं है जो ये इलाका पूरे देश से कटता जा रहा है और क्यों शहर शहर इस थॉट प्रोसेस को को आगे बढ़ाकर नए बागों को जन्म दिया जा रहा है मैंने अगर कहा है तो कोई पर्टिकुलर वहाँ पर माहौल बना होगा उसके कॉन्टेक्ट में कहा है दीपक सुरसिया के साथ हुए इंटरव्यू में अभिनंदन ने उनके और सुधीर चौधरी की दोस्ती को लेकर भी कुछ सवाल किए पर इस बात के जवाब को वो टालते ही नजर आए जब आपसे उनकी फोन पे बात हुई थी आप आइए वापस आप रिपोर्ट कीजिए आप अकेले क्यों नहीं गए आप सुधीर के साथ क्यों गए वो जा रहे थे उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूँ या हम दोनों साथ चलें मुझे कोई इसमें बुराई नहीं लगी मुझे लगा कि एक से भले दो चैनल हम दोनों चले गए ऐसा उसके पहले जो, जो वो देखे मतलब आपने जय और वीरू अगर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी नहीं माने तो वहां बन सकते हैं जंग के मैदान ये पहले वो चला चुके हैं बिना एविडेंस के मतलब सुधीर जी तो फैलते रहते ना यहाँ तिहाड़ भी काटा है मतलब आपने चुना भी तो ऐसा आप अपना उनका उनका उन, तो, उन, आखिर क्यों पीएम मोदी शाहीन बाग के गद्दारों को बर्दाश्त कर रहे हैं जानिए छह प्रमुख कारण अब ये उनको गद्दार बुलाते हैं वो बोलते हैं जी आपकी जो औरतें हैं उनको पाँच पाँच सौ रुपये भाड़े में बैठती हैं अब आपको वापस जाना है और आप बोल रहे हैं कि जी हम आपको बात करनी है आप सुधीर को लेके जाएंगे मुझे एक बार बताइए आप मुझे एक बार बताइए सुधीर चौधरी क्या पाकिस्तान में रहते हैं वो अपने चैनल पे कुछ भी चला है। उससे मेरा क्या मतलब मैंने उनको बोला ठीक है चलिए करते हैं इतना प्रेम है की आप इतने मैं बोला नहीं बहुत बोले आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताए ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रही हमारे चैनल के साथ पंजाब टुडे रिपोर्ट If you like our channel, please subscribe. And to get notifications about news, please click the bell icon.